वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन के कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका जो अबॉर्शन का प्रोसेस है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आगे इनकम्प्लीट तो नहीं हो जाएगा। इस वीडियो में ना मैं आपको MTP किट जो आप लेते हो, इसको लेने के बाद आपका जो अबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट तो नहीं है, उसके लक्षणों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अलग टाइप के अबॉर्शन होते हैं, जैसे नेचुरली मिसकैरेज जिसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं, या फिर जिन लोगों ने DNC कराई है, सर्जिकली अबॉर्शन कराया है, उसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो अलग होते हैं। इस वीडियो में दवाइयों के माध्यम से जो अबॉर्शन आपने किया उसके इनकम्प्लीट होने के साइन और सिम्टम्स को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता क्या है। देखिए, इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने का मतलब ये है कि जो भी प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स थे, जो भी बच्चे के टिश्यूज थे, जब वो यूट्रस में पेंडिंग रह जाते हैं तो उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर मेडिकली बोलें तो रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन बोलते हैं। और इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका तो अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि आप फर्स्ट टैबलेट लेने के 14th डे पर करवाते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि यूजली हम लोग 21 दिन के बाद बोलते हैं। और ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो, जिसको सीरम बीटा SCG बोलते हैं, जो कि 18वें दिन के आसपास आप करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, ये होता क्यों है? देखिए, इसके होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि अगर आपने किसी लोकल ब्रांड किट का यूज़ किया, या फिर जो किट है, जो आपने ये किट यूज़ करी है, 5 टैबलेट जो आपने यूज़ करी है, इसकी अगर आपने टाइमिंग सही से नहीं ली, सही टाइम पर नहीं लिया, या गलत मेथड से यूज़ किया, या फिर आपको वोमिटिंग हो गई, या जो आपने टैबलेट्स थी वो पूरी नहीं ली, या फिर आपने बारी बारी किट का मिसयूज़ किया, या फिर जो आपने टैबलेट्स ली वो एक्सपायर हो चुकी थी, तो इन सभी कारणों से आपके इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। जब आप किट की टैबलेट्स 5 टैबलेट आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले दिन दूसरे दिन ही इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका जो अबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट है कि कम्प्लीट है। जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है अबॉर्शन को कम्प्लीट होने का, वो 7 से 12 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से, गलत मेथड से, या कोई लोकल ब्रांड किट ली है, या फिर आपने बारी बारी किट का मिसयूज़ किया है, तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो 5 से 7 दिन के बाद दिखाई देने लगती हैं। क्या होता है, अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कम दिनों की है, मान लीजिए कि 35 दिनों की प्रेगनेंसी है, तो आपको जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो कम होगा। और अगर आपकी प्रेगनेंसी थोड़ा ज़्यादा दिनों की है, 7 वीक्स की अराउंड की है, तो आपको जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा, हाई मिलेगा, क्लोट्स भी पास आउट होंगे। लेकिन क्लोट्स दोनों ही कंडीशन में, अगर कम दिनों की प्रेगनेंसी है या ज़्यादा दिनों की प्रेगनेंसी है, ब्लड क्लोट्स खून के थक्के दोनों ही कंडीशन में निकलते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि आपने किट ली और अगर आपको ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हुई, क्लोट्स पास आउट नहीं हुए, तो आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने के चांसेस रहेंगे। नंबर 2, कि अगर आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा तो आपको जो फीवर है वो हाई ग्रेड रहेगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आपका बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। नंबर 3, कि आपके लोअर एब्डोमेन एरिया में पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अगर पेन किलर भी खाओगे तो उससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है, पेन किलर काम ही नहीं करेगी इनकम्प्लीट अबॉर्शन के केस में। नंबर 4, कि आपको जो ब्लीडिंग है वो अगर 5 दिन से ज़्यादा पीरियड से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसमें खून के थक्के भी बड़े बड़े निकल रहे हैं, तो ये भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन का एक बहुत ही मेन साइन होता है, ठीक है। और इसमें जो आपको पैड्स हैं वो पर आवरली यूज़ करने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें आपको इमिडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। अगर नहीं होगे तो फिर आप शॉक में जा सकते हो, ठीक है। अगला ये है कि भैया आपने किट ली, आपको थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग हुई और फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, और उसके बाद वजाइनली आपको वाइटिश डिस्चार्ज या येलोइश डिस्चार्ज या पस फॉर्मिंग डिस्चार्ज अगर आपको निकल रहा है मवाद टाइप का,
तो ये भी एक साइन है इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने का। या फिर आपको वजाइनली अगर गंदी स्मेल आ रही है, जैसे मरे हुए चूहे की या फिर मरी हुई मछली की स्मेल आ रही है, तो ये एक इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने का साइन होता है। इसके साथ ही अगर आपको मान लीजिए कि आपने किट ली, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर बंद हो गई, और फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, फिर बंद हो गई, फिर स्टार्ट हुई, तो ये भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन का एक साइन होता है। अगली कंडीशन होती है कि आपने किट ली है, आपको अच्छे से ब्लीडिंग हुई, 5 से 7 दिन तक पूरी ब्लीडिंग हुई, फिर ये बंद हो गई, लेकिन 5 से 7 दिन या 10 दिन के बाद आपको दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन का एक साइन होता है। सो ये जो अर्ली साइन मैंने आपको बताए प्रेगनेंसी में इनकम्प्लीट अबॉर्शन के, अगर इसमें मेन साइन की बात करें तो पहला है हाई ग्रेड फीवर, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पेन ज़्यादा है लोअर एब्डोमेन में, वजाइनली अगर डिस्चार्ज निकल रहा है, पस फॉर्मिंग डिस्चार्ज, या फिर आपको वजाइनली स्मेल आ रही है गंदी टाइप की स्मेल, मरे हुए चूहे की मछली की, तो ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन के साइन है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक अच्छा साइन है, मतलब आपकी जो बॉडी है ट्राई कर रही है कि जो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स हैं जो यूट्रस में पेंडिंग है वो निकल जाएं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप डॉक्टर से फटाफट कंसल्ट कर लेते हो तो एक आधी मेडिसिन आपकी स्टार्ट करके ये जो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स हैं ये इजीली पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जिन लोगों ने ये ठाना हुआ है कि हमने डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, कंसल्ट ही नहीं करना है, तो फिर बाय लक अगर ये जो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स हैं वो निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो नहीं निकलेंगे और ये फिर आगे इनकम्प्लीट अबॉर्शन को लीड कर सकती है। तो ये कुछ कारण थे इनकम्प्लीट अबॉर्शन के। बेटर यही होगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए जिनके सुपरविजन में आपने MTP किट को यूज़ किया है, ताकि वो आपकी हिस्ट्री को लेकर ये कन्फर्म कर सकें कि आपका जो अबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट है कि नहीं है। कन्फर्मेशन आपको 14th डे के अल्ट्रासाउंड पर होता है, या फिर आप उसके साथ में सीरम बीटा SCG ब्लड टेस्ट करा सकते हो, सीरियल बीटा SCG जो कि 18वें दिन के आसपास होता है, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। या फिर आप डॉक्टर को अगर पूरी हिस्ट्री दोगे तो वो हिस्ट्री लेके भी आपको बता देंगे कि भाई ये जो अबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन स्टिल कई लोगों की मजबूरियां होती है, वो डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू, जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और जो कंसल्टेशन है वो डायरेक्ट आप मुझसे करेंगे। तो गाइस आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।